पर एक बड़ी खबर, एक बहुत शानदार तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव। ये देखिए तस्वीर, आज की ये आप न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब संभवतः इसको कहा जा रहा है कि मीठी दही जो है, सफेद चीज है वो मीठी दही होगी भाई, ये खिलाया जाता है जब कोई शुभ काम शुभ कार्य की शुरुआत, क्योंकि ये अभूतपूर्व क्षण है आज। और इस अभूतपूर्व क्षण के लिए आशीर्वाद लिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार बनाने का न्योता दिया गया। लेकिन औपचारिक मुलाकात, कितनी खूबसूरत तस्वीर आज देकर गई है, ये देखिए, ये आज के पूरे दिन की सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत तस्वीर आप कह सकते हैं। शायद संभवतः ये जो वो खिला रही है ये मीठी दही ही होगी, ये मिष्ठी दही होगी, मीठी दही। आपके भी घर में होता है ना, जब बच्चे जो एग्जाम के लिए जाते हैं, कुछ बड़े काम के लिए जाते हैं, तो माँ जो होती है वो मीठी दही खिलाती है, बड़े जो है वो मीठी दही खिलाते हैं। ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर, सबसे प्यारी तस्वीर। देखिए आज क्या हुआ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है उनको एक तरीके से न्योता दिया और प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन उस दौरान की ये वो तस्वीर जो अभी अभी हमको मिली और इस वक्त आप सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे होंगे तस्वीर, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संभवता, और ये होगा वही मीठी दही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिला रही। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है इस तस्वीर के मायने, संदेश संकेत बहुत गहरे हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आज की दिन की। प्रधानमंत्री ने ये फुल स्क्रीन पर दिखाई ये तस्वीर, फिर अगली तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज, ये देखिए आप तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चम्मच से एक तरीके से ये मीठी दही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाई, क्योंकि देखिए कठिन डगर है आगे, समझिए इस चीज को, कठिन डगर है, विकसित भारत के संकल्प की नींव रखनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तीसरा कार्यकाल है, अभूतपूर्व जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, हिस्टोरिक हैट्रिक है, 340 अकेले बीजेपी को, नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी है, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट के मामले में तो नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ा है प्रधानमंत्री ने, कितने दिन वो रहे हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर, देखिए बार बार कहा जा रहा है, एक चीज ध्यान से समझ लीजिए कि सिर्फ 2024 नहीं, 2034 तक एनडीए सरकार, 2034 तक। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे साहब, 2034 तक राहुल गांधी के लिए कोई चांस नहीं, और अगले 10 साल एनडीए विकास का नया अध्याय लिखेगी। ये बातें आज एनडीए बैठक में संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, कुल 72 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट रख दिया। बहुत लोगों को कुछ आशंकाएं थी, वो सारी आशंकाओं को खत्म कर दिया और आप कह लीजिए विपक्ष के एजेंडा प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। मोदी के भाषण की बड़ी बातें ना आज मैं आपको बताऊंगा, रिमोट को साइड में रख दीजिए अब आप, क्योंकि जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है ना, कि आप समझ लीजिए नतीजे आए थे ना 4 तारीख को, दोपहर 12-1 बजे तक तस्वीर क्लियर हो गई थी, और आज 7 तारीख है, आज मतलब ये 72 घंटों में जो दुष्प्रचार एजेंडा प्रोपोगेंडा हुआ ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 मिनटों में उसकी धज्जियां उड़ा दी। उससे पहले ना आज मैं राजनीति के 2 सबसे विस्फोटक वीडियो आज दिखाने जा रहा हूं। अच्छा एक तो चल रहा है, चलिए एक तो चल गया, दोनों वीडियो दिखाइए। हाँ ये देखिए दो तस्वीरें, ये दोनों वीडियो विपक्ष के लिए काफी चुभने वाले हो सकते हैं। ये पूरा जो आज कार्यक्रम चला उसमें दो तस्वीरें देखिए, ये देखिए आप पैर छूने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, ध्यान से देखिए, ये देखिए उन्होंने हाथ पकड़ा, ये प्रधानमंत्री नीचे की तरफ झुके नीतीश कुमार, पैर छूने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने रोक दिया। और दूसरी तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ की है साहब, कई लोग अफवाह फैला रहे कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, योगी को हटा दिया जाएगा, बुरा हाल हो गया, लड़ाई चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है। इन दो तस्वीरों ने ना सारे एजेंडा प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया, मतलब ये वीडियो विपक्ष के उस एजेंडे को ध्वस्त करता है जिसके तहत ये कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है ना 5 साल नहीं चलेगी, बीच में गिर जाएगी, साहब एनडीए का जोड़ टूटेगा नहीं, ये कहा शिंदे ने, नीतीश कभी भी पलट जाएंगे। ये देखिए आप, वो देखिए पलट रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं ना, वो पलट ही रहे होंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा वो पलट रहे होंगे, वो पैर छू रहे हैं, सम्मान का भाव देखिए आप, सम्मान का भाव देखिए नीतीश कुमार का, वो पैर छू रहे हैं नीचे की तरफ, फिर प्रधानमंत्री ने भी रोका उनको, सम्मान रेसिप्रिकेट उन्होंने किया, सम्मान का भाव। और फिर दूसरा तस्वीर देखिए, विपक्ष के उस एजेंडे को ध्वस्त करता है जिसके तहत अब फैलाई जा रही कि मोदी योगी में सब कुछ ठीक नहीं है, देखिए कितना ठीक नहीं है,
देख रहे हैं आप, पीठ पीठ थपथपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इन अफवाहों के लोट आज नीतीश नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते दिखे। ये देखिए आप तस्वीर, नीतीश के इस अंदाज से विपक्ष की परेशानी काफी बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश और मोदी दोनों हम उम्र हैं। फिर भी नीतीश ने मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। ये आज की एक और सबसे आप कह सकते हैं राजनीति में प्रोटोकॉल अपनी जगह, लेकिन एक सम्मान का भाव क्या होता है वो आप इन तस्वीरों के जरिए, नीतीश से बहुत उम्मीद थी ना, इंडी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया नीतीश जी ने। ये मोदी और नीतीश के राजनीतिक कार्यकाल में संभवतः पहला ऐसा मौका हो जब नीतीश कुमार ने मोदी के लिए इतनी श्रद्धा दिखाई हो। आप जानते हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया, कई लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, कई लोग बहुत परेशान हैं कि क्या हो गया नीतीश जी को, क्या कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। अरे सम्मान का भाव है सरकार। दूसरी तस्वीर उन लोगों की तबीयत खराब कर सकती है, दूसरी तस्वीर जो यूपी में बीजेपी की कम सीटें आने के बाद अफवाह फैला रहे थे कि नरेंद्र मोदी में मनमुटाव है, मोदी योगी से नाराज है, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। आज इन सभी अफवाहों पर मोदी ने योगी की पीठ थपथपाकर ब्रेक लगा दिया। जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम मिलकर के सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है, आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी एज द लीडर ऑफ द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी। आई प्राउडली प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नाम हारे थे नाम हारे हैं, लेकिन हमें जीत पचाना आता है। हमारी जीत के कोख से उन्माद पैदा नहीं होता, हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता। हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार नहीं है। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये मैसेज था विपक्ष के उन तमाम नेताओं को जो चुनावी नतीजों में हार की हैट्रिक लगाने के बाद भी उछल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अपमान की राजनीति कर रहे हैं, जैसे जीत उनकी हुई है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी जैसे हार गए हैं। ऐसे लोगों के लिए आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी बच्चे से पूछो कि जीत किसकी हुई है तो वो भी कहेगा कि एनडीए की। नतीजों से पहले सरकार एनडीए की, नतीजों के बाद सरकार एनडीए की, तो हार किसकी हुई? देखिए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी की हार का मजाक उड़ाना हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी सीटें 2014, 19 और 2024 को मिलाकर नहीं जीती उससे ज्यादा सीटें बीजेपी ने अकेले जीती हैं। देखिए 2014 में ना कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी आप सभी जानते हैं, 44 सीटें जीती थी। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, 2014 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली हैं 2024 में। यानी कि यह आंकड़ा कांग्रेस को 3 बार के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें नहीं मिली ना उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को मिली है। इसके अलावा पूरे इंडिया अलायंस ने मिलकर जितनी सीटें जीती हैं उससे ज्यादा अकेले बीजेपी की सीटें, जो तस्वीरों पर चल रही है ना, ये वो आज की सारी तस्वीर में आपको दिखा रहा था। लेकिन ये देखिए अब आप
14, 19, 24 ये बहुत दर्द देगा आंकड़ा इंडी गठबंधन को, लेकिन दिखाना जरूरी है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो तो गलत आंकड़े गलत नहीं हो सकते। 14, 19, 24 तीनों चुनावों के अगर आंकड़ों को जोड़ दिया जाए ना, तो भी इतनी सीटें नहीं है जितनी मोदी को अकेले 2024 के चुनावों में मिल गई है। 44, 52, 99 कुल सीटें, और बीजेपी को अकेले एक तीन चुनाव में उतनी सीटें नहीं मिली जितनी बीजेपी को 240 एक अकेला सब पर भारी। शायद इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें जीत पचाना आता है। सुनिए कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं, हमारे संस्कार हैं। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मतलब 10 साल में कांग्रेस 100 सीटें नहीं जोड़ पाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी एक बहुत दुखी कर दिया जिन्हें लग रहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, है ना। कुछ लोग बहुत परेशान थे, बहुत दर्द था ना लोग। अच्छा वैसे ये तस्वीर भी आज की बहुत प्यारी तस्वीर थी, संविधान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देख लिए संविधान सर्वोच्च। कुछ लोगों ने फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, भ्रम, दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अगर बदलना होता तो बदल देते ना साहब, 10 साल में क्यों नहीं बदला। आप ये तस्वीर देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान बदलना होता तो 10 साल में क्यों नहीं बदला। कुछ लोगों ने दुष्प्रचार, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, एजेंडा, पता नहीं क्या क्या झूठ फैलाने की कोशिश की। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए तो सबसे पहले संसद में पहुंचे तो संविधान को नमन किया, सिर झुकाया, संविधान को सर पर लगाया। ये देखिए आप तस्वीर, मतलब आप ये तस्वीर कई लोगों को परेशान कर सकते हो, उन लोगों को भी आज निराश कर दिया जो अफवाह फैला रहे थे मोदी 73 साल के हो चुके हैं। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी 73 साल के हो गए हैं, 2027 में उनको रिटायर हो जाना चाहिए। उन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया जो ये सपने देख रहे थे कि मोदी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा ऊपर नजर रखिएगा सारी तस्वीरों पर, जब सुनते रहिए लेकिन ऊपर तस्वीरों पर नजर रखिएगा, सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सारे निचोड़ है सारी तस्वीरों का, ठीक है। ऐसे सभी लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि 2029 तो छोड़िए साहब, मोदी 2034 तक का संकल्प ले चुके हैं, 2034 तक की गारंटी दे दी है शायद प्रधानमंत्री ने, और मोदी ने गारंटी दी थी मैं आ रहा हूं तीसरी बार, वो आ गए हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी जैसा वो कहते हैं। अब 2034 तक यानी कि अगले 10 साल और एनडीए की सरकार रहने वाली है और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, यानी कि अगले 10 साल तक राहुल गांधी का नो चांस, अखिलेश जी का नो चांस, ममता ना केजरीवाल। मोदी ने साफ कर दिया कि वो ना तो टायर्ड है ना रिटायर्ड होने वाले हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी ना 2034 तक भारत को विकसित मतलब करने के लिए ब्लूप्रिंट लेकर चल चुके हैं। अब इसको समझिए, इसका संकेत आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री क्या हुआ आज, मैं फिर से वो तस्वीरों की तरफ लौटूंगा, ये वो तस्वीर आज की बहुत अच्छी तस्वीर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में आए तो उन्होंने सबसे पहले संविधान के आगे सिर झुकाया, ये देखिए आप, वो वहां पर पहुंचे, सिर झुकाया, नमन किया, संविधान को अपने हाथों में उठाया, माथे पर लगाया, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बदलना होता तो बदल लेते ना 10 साल के अंदर, लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया।
लेकिन ठीक उसी तरह याद करिए 2019 में भी संविधान के आगे सिर झुकाया था, और 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद है नतमस्तक हुए थे, संसद की सीढ़ियों के आगे उन्होंने सर झुकाया था। आज संविधान के आगे सिर झुकाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 72 मिनट के भाषण में अपने अगले 10 साल, अच्छा ये 2019 की भी तस्वीर है। अच्छा एक और चीज़, कुछ लोग कह रहे थे 24 की जो तस्वीर है ना ये, क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल है मोदी संविधान को बदलने, तो 19 में भी संविधान को नमन किया था साहब। ये सम्मान का भाव प्रधानमंत्री बनने से को बदल नहीं जाता है। 14, 19, 24 संविधान सुप्रीम, 19 में भी 24 में भी। लेकिन आज 72 मिनट के भाषण में 10 साल का विजन देश के सामने रखा, और चुनाव नतीजों के बाद 72 घंटों तक विपक्ष ने जितना दुष्प्रचार किया, एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाया, मोदी हार गया, मोदी हार गया, मोदी हार गया, मोदी ने 72 मिनट के अंदर उसकी हवा निकाल दी। 72 मिनट के अंदर मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि ये एनडीए है, दलों का जमावड़ा नहीं। एक एक शब्द को सुनिएगा, ये एनडीए है, दलों का जमावड़ा नहीं। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष से मोदी ने पूछा, बताओ साहब ईवीएम जिंदा है या नहीं? अब तो ठीक हो गया ना ईवीएम। मोदी ने यह भी कहा कि हम दुनिया, मतलब मैं दुनिया में कहता हूं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडिया कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये तो कहता है ना लोकतंत्र खत्म, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हम लोग हैं, ये है मेरा भारत। मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजे आए तो देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हुई, देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की विपक्ष ने। मोदी ने यह भी कहा कि इंडी अलायंस लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा तोड़ना चाहता है, यह सब कुछ कहा। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 10 साल एनडीए सरकार, शब्द बहुत चुभ रहे होंगे लोगों के कानों में, लेकिन जो कहा है साहब रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, ये तस्वीरें भी चुभ रही होंगी, लेकिन जो कहा है वो भी सुनिए, ऊपर तस्वीरें भी चुभ रही होंगी। नरेंद्र मोदी ने कहा अगले 10 साल एनडीए सरकार विकास और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काम करेगी। 10 साल 29 भी भूल जाए राहुल गांधी, 34 में कोई उम्मीद हो तो वो लड़ें, ये प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं 34 तक। उन्होंने कहा मैं सोच कर बोल रहा हूँ, मोदी सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी, यानी कि विपक्ष के लिए 2024-34 तक वैकेंसी नहीं है। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे, इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते, यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। और देखिए, अब बात करेंगे उस तस्वीर की, शायद जिसका हर फ्रेम ना विपक्ष आगे पीछे करके चेक कर रहा है, ये हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसी वीडियो ने इंडी अलायंस का वो सपना तोड़ दिया जिसके तहत विपक्ष को उम्मीद थी कि नीतीश एक बार शायद पलट जाएंगे, शायद पलट जाएंगे, शायद पलट जाएंगे, मोदी सरकार गिर जाएगी या 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और उनके शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। अब तो मोदी जी ने जो गारंटी दे दी ना 2034 तक, अब राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है, वो शायद भारत जोड़ो यात्रा और कितनी यात्राएं शायद निकाल सकते हैं। लेकिन नीतीश की बात कर लेते हैं। आज नीतीश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो जेस्चर था वो इससे पहले शायद ही देखने को मिला, हो सकता है ऐसी तस्वीरों, हमारी जानकारी में नहीं है। नीतीश एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये देखिए आप, पैर छूने की कोशिश करते हुए नजर आए,
दूसरे नीतीश ने इस बात का भी सबूत दिया कि अब वो पलटने के बारे में ना सोच भी नहीं सकते हैं। नीतीश ने कहा कि वो एनडीए छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। नीतीश ने यह भी कहा कि जल्दी कीजिए सरकार बनाने में, कहीं देर ना हो जाए। इसके बाद नीतीश ने विरोधियों की तकलीफ बढ़ाते हुए कहा कि इस बार जो कुछ बचा है ना, उन्होंने क्या कहा, इस बार कहा जो कुछ बचा है ना, जो इधर उधर जीत गए हैं, अगली बार वो सारे हारेंगे, उसका हिसाब भी पूरा कर देंगे। नीतीश कुमार के शब्द हैं। नीतीश कुमार की इस विनम्रता का सबसे बड़ा कारण है उन्हें एनडीए में मिलने वाला सम्मान। देखिए, ध्यान कीजिए, ठीक एक साल पहले 23 जून 2023 को नीतीश के घर ही मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन बनाने की बैठक हुई थी, याद है आपको? इंडिया गठबंधन का जनक कहा जाता है, ब्रेन चाइल्ड सब कुछ कह लीजिए नीतीश। और आज इंडी गठबंधन नीतीश को डिप्टी पीएम तक का ऑफर शायद दे रहा है, लेकिन तब कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें इंडिया अलायंस का संयोजक तक नहीं बनने दिया था, याद है आपको? क्या हाल कर दिया था नीतीश कुमार का, संयोजक तक नहीं बनने दिया था, वापिस लौट आए थे वो। इसके बाद खुद जेडीयू ने याद है क्या कहा था कि एनडीए में लौटने की एक बड़ी वजह कांग्रेस और अन्य दलों का दुर्व्यवहार है और यह सम्मान का भाव है। इसके अलावा नीतीश ये भी समझते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर वो आरजेडी के साथ, अगर लालटेन युग में अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते तो शायद पार्टी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी ये समझते हैं, ब्रांड मोदी का तो असर हुआ है बिहार में भी। नीतीश भी जी भी ये समझते हैं कि आरजेडी हमेशा से उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है और जेडीयू के कोर वोटर्स बीजेपी के साथ ही सुरक्षित महसूस करते हैं। शायद इसलिए नीतीश ने भी ये, देखिए आप तस्वीर, संकेत दिया कि इस बार एनडीए का जोड़ टूटने वाला नहीं है। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोग को करना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए की फुल फॉर्म बताई जा रही थी, नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, नायडू डिपेंडेंट अलायंस, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा जी और दूसरे तमाम नेताओं की तरफ से बताया जा रहा था कि ये एनडीए, एन से जो है नीतीश या नायडू, डी से डिपेंडेंट अलायंस, यानी कि इन पर निर्भर करता है। चलिए अब आप कैसा करते हैं, नीतीश ने तो सपने तोड़ दिए एनडीए गठबंधन के, नीतीश जी के अलावा चंद्रबाबू नायडू के लिए भी विपक्ष पल के पावड़े बिछाए बैठा हुआ है, शायद चंद्रबाबू जी भी आ जाए इस तरफ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने आज विपक्ष के इन सपनों को ना ये कहकर चकनाचूर कर दिया कि इस समय देश में मोदी जैसा दूरदर्शी, मोदी जैसा दूसरा कोई नेता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाया, देश के पास सही समय में एक सही नेता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा और सुनिए, आंध्र प्रदेश में नायडू जी की बात हुई, ये तस्वीर भी बहुत जरूरी, आंध्र प्रदेश में एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी जनसेना के संस्थापक पवन कल्याण ने भी पीएम मोदी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारत दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकने वाला। इस विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड विकसित भारत एंड थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ एनडीए वी कैन बिकम a zero poverty nation, that is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down, and we are. देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी की खटाखट 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 चुनावी स्कीम की बात भी की। मोदी ने कहा कि ये गुमराह किया था कांग्रेस पार्टी ने, ये गुमराह वाली गारंटी थी। मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से लगातार वोटर्स को गुमराह गारंटी दी गई, गुमराह किया गया, गरीबों का अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, ये बोला गया कि 4 जून को 8,500 मिल जाएंगे, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा। 4 जून के बाद बकौल प्रधानमंत्री महिलाओं के अकाउंट में 1,00,000 रुपए देने की बातें की गई, गुमराह किया गया, झूठ बोला गया। इसके बाद से सैकड़ों महिलाएं कांग्रेस ऑफिस में घंटों तक लाइन लगाकर खड़ी रही, ये कहा प्रधानमंत्री ने।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया कांग्रेस पार्टी ने। नरेंद्र मोदी के बात क्या बेबुनियाद है या नहीं, लेकिन 4 जून को ही कई अखबारों, कई न्यूज चैनल्स, कई सोशल मीडिया पर खबरें आई कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर अचानक लाइन लगी हुई है, मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं। उनकी मांग थी कि राहुल गांधी ने महिलाओं के अकाउंट में हर महीने खटाखट 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 8500 रुपये डालने का वादा किया था। उसी घटना का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कई इस तरह की खबरें थी, हालांकि कांग्रेस पार्टी डिनाई कर रही है इस तरह की खबरों को। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका एक तरीके से वो चूके नहीं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा दिया कि आपने गुमराह किया देश को, झूठ बोला देश से, 8500 रुपये आ जाएंगे, 4 जून होते ही झूठ बोला, गरीबों का मजाक उड़ाया, इसलिए कांग्रेस को यह वादा पूरा करना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री ने पूछा कि राहुल गांधी क्या वो गारंटी पूरी करेंगे। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ना, कांग्रेस ने इस खबर से इंकार कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बेंगलुरु की खबर से इंकार नहीं किया गया, वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। 30 मई को, यानी कि नतीजे आने से 4 दिन पहले, खटाखट वाली बात को लेकर मैं बता रहा हूं। बेंगलुरु में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सुबह सुबह बेंगलुरु के अलग अलग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने पहुंच गई। इन महिलाओं का क्या कहना था कि राहुल गांधी जी ने हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया है। कहां है वो 8500 रुपये, किसको मिले, मिले नहीं मिले। अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं, आप सोचिए ना, यही प्रधानमंत्री ने कहा, ये गरीबी का मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों का अपमान किया, झूठ बोला, गुमराह किया, गारंटी पूरी करें। अगर ऐसा कहा कि 4 जून को मिलेंगे, ये महिलाएं सुबह 4 बजे तक अकाउंट खुलवाने की लाइन में खड़ी रही। सुनिए प्रधानमंत्री को। ये वो कार्ड बना रहे बोलते ना, वो इसलिए 2000 का वो उसके आए, वो राहुल गांधी डालते बोले ना पैसे, वो उसके आए, वो 8000 बोले थे ना, वो 8.5 साल को 1,00,000 रुपए बोले थे, वो टकाटक टकाटक बोले ना, इसलिए हमें आए। वो कांग्रेस डाल रही है ना, अभी तक किसे भी आया नहीं है, महीने को डालती गए, अब उन्हें जीते के बाद भी डालती गई, सो अब जीते की नहीं थी, वोट में तो डाले ना कांग्रेस, कुछ ना वोट डाले की नहीं दे रही, पैसे इतनी क्यों, कई को खड़ा को आदमी को तकलीफ दे रही। अच्छा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपने पहले महिलाओं को सुना। ये दरअसल नतीजे आने से पहले 30-31 तारीख को बेंगलुरु में महिलाएं वहां पर पहुंच गई थी। इस तरह की खबरें आई कि 4 जून को भी यही सब हुआ। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी महिलाओं को समझाते रहे कि भाई ऐसी अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आपको 8500 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी जो नतीजों के बाद देखा जाएगा। लेकिन शायद गुमराह इस तरह से किया गया, इस तरह से जो है फेक न्यूज़ फैलाई गई, प्रोपोगंडा, मतलब महिलाएं वहां पर अड़ी रहीं कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो एक झटके में खटाखट खटाखट भारत की गरीबी मिटा देंगे, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। आप सोचिए वो महिलाएं खुद को कितना मतलब ठगा हुआ महसूस कर रही होंगी, जो राहुल गांधी के खटाखट 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 वाली चुनावी स्कीम, या प्रधानमंत्री के शब्द में कहें तो गुमराह जो किया गया, वो झांसे में फंसकर रात भर अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक पोस्ट ऑफिस में खड़े रहेंगे। अब कहाँ हैं वो 8500 रुपये? अब तो सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी जी से, कहाँ हैं वो, मिलेगा इन महिलाओं को? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की इस खटाखट स्कीम की ना एक तरीके से आज उसको गुमराह करने वाला बताया। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा प्रधानमंत्री के। देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1,00,000 रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आज आप सबके लिए हम एक तरीके से 7 का संदेश लेकर आए कि नरेंद्र मोदी को जनादेश का है बात, 7 बड़े संदेश, क्योंकि नरेंद्र मोदी 7वीं बार शपथ लेने वाले पहले नेता, एक तरीके से इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 7वीं बार शपथ लेने वाले पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री पहली बार होगा। इसके अलावा देश के 20 राज्यों में बीजेपी प्लस की अब सरकारें हैं, 20 राज्यों में, ओडिशा में भी, अरुणाचल में भी, अब तो आंध्रा में भी है 20 प्लस एनडीए। 10 साल शासन, कांग्रेस की सीटें 79% घटी। अच्छा, यह आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आया था कि कांग्रेस की जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो जब 2014 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने गई तो
तो 79% सीटें घट गई थी। वही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब बीजेपी चुनाव लड़ने गई तो बीजेपी की सीटें 21% घटी हैं। बीजेपी को सिर्फ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, बहुत बड़ी हार हो गई ना, 626,311 वोट अगर 33 सीटों पर और मिलते ना, सिर्फ 626,311, तो बहुमत था बीजेपी को। कांग्रेस की 2014, 19, 24 की सीटें अगर मिला भी देना तो भी बीजेपी से कम है सीटें। तो भी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर मोदी ने एक तरीके से नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा हाँ, ये भी बताना जरूरी है क्योंकि चुनी हुई सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, 8,277 दिन, और नेहरू जी थे 6,130 दिन। नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री और हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था। कांग्रेस 14 राज्यों में शून्य पर रही, 18 राज्यों में वोट शेयर कम। दक्षिण भारत में कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप वोट देखेंगे तो दक्षिण भारत में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी, सीआईएसएफ साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। कुलविंदर कौर, उसने भी उसको सबक सिखाने का काम किया और हम कुलविंदर कौर के साथ में खड़े हैं। संजय राउत लोगों का दिल दुखाने वाली इतनी सारी बातें करते हैं कि तैयार रहे कभी उनको भी थप्पड़ पड़े। मैं किसी के भी थप्पड़ मारे जाने का समर्थन नहीं करता। सही बहन कुलविंदर कौर ने जो कंगना नरोत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नू पंजाबी ते पंजाबियत नू बचाउन लई अपने दिल तो सलाम करदा। उन्हां नू गिरफ्तार करना, उन्हां ते किसे किसे दी कारवाई करना, यह निंदा करन जोगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है कंगना थप्पड़ कांड को लेकर। महिला पर, आरोपी महिला पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और केस जो दर्ज किया गया उसको लेकर डिटेल्स है। चोट पहुंचाने, रास्ता रोकने के मामले में आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर पर धारा 323 और 341 आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ही ऑफेंस बेलेबल हैं। हालांकि अभी तक आपको बता दें किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वैसे आपको बता दें कंगना थप्पड़ कांड पर राजनीति का एक नया चैप्टर खुल गया है। इसको आप राजनीति का डबल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। इसको भी जस्टिफाई ठहराने की कोशिश हो रही है। याद करिए कल बीजेपी सांसद, आपको याद होगा हमने खबर दिखाई थी, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो आरोप लगाया कंगना ने, उनको थप्पड़ मारा गया। ये आरोप कंगना का था। हालांकि जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, जो सच होगा वो जांच के बाद सामने आ जाएगा। उनको थप्पड़ मारा गया ये कंगना ने कहा। आरोप यह कि क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कुछ बातें कही थी, इस पर महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वो कंगना रनौत के बयान से नाराज थी कि कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपए में महिलाएं आती हैं किसान आंदोलन में, तो इस महिला ने कहा कि मेरी माँ भी वहां पर थी। इस बात को लेकर वो इतना नाराज हुई थी, कंगना उनको नजर आई, उन्होंने थप्पड़, ये वो महिला कांस्टेबल, हालांकि अब FIR दर्ज हो चुकी है, ये वो महिला जिन्होंने कहा था कि मेरी माँ वहां पर बैठी थी। लेकिन इस थप्पड़ कांड पर ना विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में आरोपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कंगना के साथ जो बदसुलूकी हुई उसे किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई ठहराने की कोशिश हो रही है, ठीक ठहराने की। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसी को भी किसान को बदनाम करने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल किसानों को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन थप्पड़ मारने का अधिकार भी किसी ने नहीं दिया ना। पंजाब के एक व्यापारी ने तो आपको बता दें थप्पड़ मारने वाली आरोपी को 1,00,000 के इनाम का ऐलान कर दिया। अभी कुछ दिन पहले याद करिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर क्या तुलना हो रही है, मैं आपको वो तुलना दिखाता हूँ। कन्हैया को भी थप्पड़ पड़ा था, याद करिए कन्हैया को भी थप्पड़ पड़ा था ना, ये देखिए ये थप्पड़ पड़ा था। अब ये भी गलत था भाई, बिल्कुल गलत था, लेकिन यहाँ पर भी ये आक्रोश जाहिर किया गया था कि भाई जो थप्पड़ पड़ा कन्हैया को वो दरअसल एक बयान को लेकर था। कन्हैया का एक बयान था जिसमें उन्होंने सेना को लेकर कुछ कहा था, वो बयान से नाराज था,
तब किसी ने इसको जस्टिफाई नहीं ठहराया था। फिर ये वाला थप्पड़ गलत, कंगना वाला थप्पड़ सही कैसे? मतलब कन्हैया को थप्पड़ पड़ा तो गलत, कंगना को पड़ा तो सही। याद करिए ना, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था, बिल्कुल गलत था। पूरा सियासी कोहराम मच गया था। कन्हैया को थप्पड़ मारने व्यक्ति ने कहा था कि सेना के अपमान करने की वजह से उन्होंने गुस्से में कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। कंगना को थप्पड़ मारने वाली आरोपी कांस्टेबल के समर्थन में किसानों ने हल्ला बोल दिया। वैसे तो कुछ लोग याद दिला रहे हैं, किसान कथित किसान आंदोलन के दौरान कितने लोगों की जाने गई, किसी शख्स को मार के टांग काट के टांग दिया था, याद है वो सब। बहरहाल, शिवसेना के संजय राउत का बयान भी समर्थन वाला है, किसान मार्च निकालने की तैयारी में है, लेकिन कंगना के समर्थन में कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नजर नहीं आ रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी की सांसद कंगना रनौत के साथ हुए इस थप्पड़ कांड के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पंजाब से मुंबई तक इस मुद्दे पर बवाल मचा है। कंगना के समर्थन से लेकर विरोध करने वालों के बीच जंग छिड़ी है। क्या एक साल तक उनको आतंकवादी नहीं कहा? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें। इस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा दी गई है पंजाब से, और अब थप्पड़ कांड पर उकसाने की कोशिश की जाने लगी है। पंजाब में जहां एक कारोबारी ने तो ऐलान कर दिया कि कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल को 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। साथी बहन कुलविंदर कौर ने जो कंगना नरोत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नू पंजाबी ते पंजाबियत नू बचाउन लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नू 1,00,000 रुपए इनाम वजो दिंदा हां। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कंगना रनौत पर ही किसानों के बारे में गलत बयानबाजी का आरोप लगाया। राउत के मुताबिक किसान आंदोलन में कंगना का बयान एक्शन का रिएक्शन। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने आरोप लगाया कि सांसद कंगना मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके से संजय राउत ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने का समर्थन किया है, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि खुद संजय राउत लोगों का दिल दुखाने वाले इतनी सारी बातें करते हैं कि तैयार रहे कभी उनको भी थप्पड़ पड़ जाए। मैं किसी के भी थप्पड़ मारे जाने का समर्थन नहीं करता। सोशल मीडिया पर कंगना के साथ हुई घटना की लोगों ने निंदा की है। फैंस एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतरे हैं, लेकिन अभी तक फिल्म इंडस्ट्री से किसी का रिएक्शन इस मामले पर नहीं आया है। इस पर कंगना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कंगना ने शिकायत करते हुए कहा कि कल एयरपोर्ट पर मेरे ऊपर जो अटैक हुआ उस पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग या तो जश्न मना रहे हैं या फिर मुंह सील कर बैठे हैं। कंगना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहा कि याद रखना, अगर कल को आप या आपके बच्चों पर राह चलते सड़क पर दुनिया के किसी भी कोने पर अटैक होता है, इजरायली या फिलिस्तीनी उन पर हमला करते हैं क्योंकि आप रफा या इजरायली होस्टेज के लिए खड़े थे, तब तुम देखना कि तुम्हारे फ्री स्पीच के अधिकार के लिए मैं कैसे लड़ूंगा। एक्ट्रेस के इस पोस्ट से साफ है कि बॉलीवुड की इस चुप्पी से वो निराश है। कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं उतरा या किसी ने भी एक्ट्रेस का हाल पूछने की कोशिश नहीं की तो वो दुखी है। हालांकि एक्ट्रेस ने खुलेआम इस मामले पर सवाल उठाने के बाद कुछ ही देर में अपना ये पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी इसका जवाब तो नहीं मिल पाया है। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है,
How do we handle that? लोग अपने गुस्से का इजहार करते होंगे कोई अजिही गल नहीं हैगी तो उन्होंने गिरफ्तार करना उन्होंने किसी किसी की कार्रवाई करना ये निंदा करन जोगा। खबर ये भी आ रही है कि पंजाब में किसान कुलविंदर कौर के सपोर्ट में 9 जून को इंसाफ मार्च निकालने वाले हैं। किसान चाहते हैं कि कुलविंदर कौर के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ना लिया जाए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कंफर्मेशन आ गया साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को 9 जून को समय भी आ गया है 7:15 बजे ही शपथ लेंगे 7:15 बजे 7:15 पर। अब ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन राष्ट्रपति भवन से जो प्रेस कम्युनिकेशन आया है उसमें 7:15 बजे लिखा है। अब आप कहेंगे इसमें खबर क्या है? दरअसल 9 जून सबको पता था, न्यूज 18 इंडिया ने आपको कल ही 3 बजे बता दिया था, बाकी चैनल 5 बजे 6 बजे चलाया जा रहा था, हमने 7:15 बजे कल ही बता दिया था। ये खबर कंफर्म हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत जिन्होंने खबर दी थी, विक्रांत 7:15 बजे कल भी था डाउट कि 6 होगा, बाकी चैनल पर 6 बजे चल रहा था लेकिन आप कह रहे थे 7:15 ही होगा। देखिए बिल्कुल अमन, जो समय है न्यूज 18 इंडिया ने बताया था 7:15 बजे का, वही समय आया है जो राष्ट्रपति भवन का प्रेस कम्युनिके और उसमें साफ लिखा है कि 7:15 बजे 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कल दोपहर को 3 बजे न्यूज 18 इंडिया ने भी अपने दर्शकों को बताया था कि ये समय 7:15 बजे होगा और कुछ विदेशी मेहमान भी यानी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल थे, ये भी हमने कल जानकारी दी थी। तो उसी हिसाब से विदेशी अतिथि भी कल इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत। 7:15 बजे 9 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ।